हाय, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो छोटू खरीद रहे अपने लिए एक ग्रेट चीज़। हम है सुजुकी शोरूम में। तो ये देखो, यह है आपके सामने हमारे ग्रुप का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ाई कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क साइन कर रहा है। अबे शक्ल तो दिखा, दिखा क्या करूँ, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे इतना। छोटू के एग्जैक्ट पीछे नितिन भाई। और ये देखिए, ये है शोरूम। यहाँ पे सब गाड़ियाँ डिस्प्ले पे लगी हुई है, ये एक्सेस 125। आइए आप लोगों को शोरूम के दर्शन करवाता हूँ थोड़े। देखिए यहाँ पे, अरे यार छोटू जहाँ पे बाइक लेने आया है ना, वो शोरूम भी उसी की तरह है, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये आपके सामने है तीनों कलर सुजुकी ओनिस 125 के, ये मैट ब्लैक, ये ब्लू और वो वाइट। तो हम डिसाइड कर रहे हैं, मेरी तो आंखों को नीला नीला नीलू सा कलर पसंद आ रहा है। देखिए ब्लू वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, छोटू भी यही ज़्यादा जचेगा। तो फाइनली आपके सामने आ चुकी है ऑल न्यू सुजुकी ओनिस 125 E20 OBD2 कंप्लायंट BS7। देखिए क्या गजब लग रही है, रेस एडिशन है ये टॉप मॉडल। तो देखिए ये आपके सामने है, ये कलर कितनी ज़्यादा, ये कौन भाग रहा है रे, देखिए नीला कलर। तो फाइनली छोटू को मिल गई उसकी ड्रीम बाइक, उसकी ड्रीम स्कूटर। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, नीले नीले अंबर के तले छोटू की नीली बाइक। कभी अगर प्लान है स्कूटर खरीदने का तो एक नज़र इस पर ज़रूर डालिएगा। अब हम करेंगे इसका राइड रिव्यू। एक्चुअली इसका राइड रिव्यू आते आते थोड़ा टाइम लग गया, और हमारे छोटू ने कितना चला है इसको देखते। देखिए ओ माय गॉड, 650 किलोमीटर 7-8 दिन में चला लिया। देखा कितना गजब राइडर है, रगड़ दिया गाड़ी को पूरा 6-7 दिन में ही। तो देखिए इसका फुल्ली फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये फुल्ली लोडेड है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे ना हर एक चीज़ को करेंगे जीरो, देखेंगे हम ये बाइक है ना कितना ज़्यादा माइलेज देने वाली है हमको। चला के देखेंगे राइड रिव्यू, राइड क्वालिटी, कम्फर्ट कैसा है। एक्चुअली मैं इसका माइलेज टेस्ट है ना 1.5 लीटर पेट्रोल लेके करने वाला था, जिससे हम पुरानी सभी वीडियो में करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सर्विस के बाद हम वो वीडियो लाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर तो चल चुकी है। फर्स्ट सर्विस जैसे हो जाएगी तो हम उसका प्रॉपर माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो इसके ओडोमीटर पे रीडिंग आती है ना माइलेज की, एक्चुअली आजकल की बाइक्स है ना सभी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है, तो माइलेज जितना इसके मीटर पे दिखाता है 4-5 किलोमीटर यहाँ वहाँ फ़र्क होगा, बस उतना ही होगा। तो हम उसी रीडिंग को लेके चलेंगे, 20-25 किलोमीटर हम चला के देखेंगे कि कितना माइलेज देने वाली है। तो मेरे साथ एक पिलियन भी है, तो हम डबल सीट पर इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि कितना ये माइलेज देगी सिटी राइड में। हम हाईवे पे नहीं चलाएंगे, हम इकोनॉमिक स्पीड पे ही चलाएंगे। देखिए ये ग्रीन लाइट जो है पे कभी चली गई, ये मीटर देखे आ गई, ये जो ग्रीन लाइट है ना हम इसी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रखेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल सके सिटी में, समझ में आपको। तो हमें पता चलेगा कितना ज़्यादा माइलेज दे रही है। कंपनी ने क्लेम किया ये 55 किलोमीटर के अराउंड माइलेज देगी। तो मैं निकला गड्डी लेके छोटी छंडी पहन के इसका माइलेज टेस्ट करने, आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं, वाव यार जर्क को बहुत ज़्यादा इसने मतलब शॉक एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत ज़्यादा और स्मूथ राइड ले रहे हैं। पिकअप भी बहुत ज़्यादा गजब है, मतलब जैसे एक्सीलेटर आप इसको खींचोगे ना ये थोड़ा सा पीछे धकेल देती है, मतलब पिकअप बहुत ज़्यादा गजब है इस बाइक का, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आप अपने लिए कोई स्कूटर ढूंढ रहे हो 125cc सेगमेंट की, एक्टिवा लेना चाहते हो, तो एक बार इसको चला के ज़रूर देखिएगा। मैं एक्टिवा को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी बाइक बहुत ज़्यादा गजब है, आफ्टरऑल ये भी एक जापानीज है सुजुकी। वाह, शॉक एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा गजब कर दिया। तो यहाँ से हम निकला, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते से ऑफ रोड में डाल के, ऑफ रोड नहीं है लेकिन ये मज़ा आ रहा है। ये जो सड़क है ना रास्ते के साइड में बना एकदम ऐसे, मतलब मुझे लग रहा है ना समंदर पे मैं बोट चल रहा हूँ, उड़ उड़ के जा रहा हूँ, उड़ उड़ के है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखिए तो ऐसे ही हम इसको, स्मूथ है राइड, तो स्मूथ है राइड, क्वालिटी स्मूथ है, मज़ा मुझे बहुत आ रहा है। मुझे ना बिना गियर की बाइक्स पसंद नहीं आती, लेकिन इस बाइक में बात कुछ अलग है। तो अगर आपका प्लान है तो एक बार, ये कौन है यार बीच में, इसको कट मार के निकले, कट मार के हम आगे आ चुके हैं। और एक्चुअली है ना मैं बोलते बोलते ना भावनाओं में बह जाता हूँ, और क्या बोलना रहता है मैं भूल जाता हूँ। तो करते हैं इसी बाइक के बारे में कुछ बातें। तो ये जो बाइक है इसमें लगा हुआ है 124.3cc का एक सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.7 PS की पावर एट द रेट 6750 RPM पे, और 10 Nm का टॉर्क 5500 RPM पे। इस बाइक में आपको फ्रंट में ना डिस्क मिलता है और गियर में ड्रम मिलता है, और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है ना 5.2 लीटर की, मतलब
देखिए स्कूटर में इतनी आती है तो बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर माइलेज हमको 50+ दे रही है तो 5 लीटर इनफ है स्कूटर के लिए, है कि नहीं। तो कंपनी क्लेम करती है इसका कि ये बाइक है ना 55 KMPL का माइलेज देती है। तो हम चेक करें, देखिए ये बात याद रखिएगा कि इस बाइक में ना अभी तक सर्विस नहीं हुई, ये बाइक नई की नई है और हम ऐसे ही चला रहे हैं, सर्विस के बाद इसका माइलेज बढ़ जाएगा, गारंटी बढ़ जाएगा 4-5 किलोमीटर। और इस बाइक के बारे में एक अच्छी बात क्या मालूम है, ये जब आप स्कूटर चलाओगे ना आपको एक बड़ी स्कूटर की फील आएगी। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक्टिवा चलाते हो थोड़ी लगती है वो छोटी, लेकिन ये अभी देखिए मैं एक मतलब बड़ा आदमी हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी ये फील हो रहा है कि मैं मतलब कुछ तो एक बड़ी बाइक जैसा कुछ चला रहा हूँ, तो ये एकदम मतलब ज़बरदस्त है फीलिंग। और इस बाइक के अंदर जो बूट कैपेसिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 22 लीटर की बूट कैपेसिटी है। मतलब आप इजीली आपके 2 भी हेलमेट है ना इसके अंदर रख सकते हो। एक्चुअली सुजुकी ने इसके बूट मैनेजमेंट और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वर्क किया है, गुड वर्क सुजुकी। तो अभी हम जहाँ पे घूम रहे हैं, आपको पता है ये जगह कौन सी है, नाला सोपारा का कभी नाम सुना है? हाँ, तो ये वही है। देखा मैं आपको कितनी ज़्यादा फेमस जगह दिखाता हूँ, तो उसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखी है, तो आप जब भी जाके यहाँ पे बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन आ जाएगी टाइम पे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो पिछले हाफ आवर से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, तो ये एक बात तो कन्फर्म है कि इस स्कूटर की जो राइड क्वालिटी, कम्फर्ट है ना और रिफाइनमेंट है, ज़बरदस्त है, गजब है सच में। मतलब एक बार आप इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा, आपका प्लान चेंज होगा और आप ज़रूर इस बाइक को ख़रीद लेंगे। एक्चुअली स्कूटर में ना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ें हैं जो कि आपको है ना स्पोर्ट बाइक में भी नहीं मिलेंगी, इतने ज़्यादा फीचर डाल के रखे इन्होंने इसमें। जैसे कि इसमें है ना देखिए आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको कॉल एंड मैसेजिंग अलर्ट, नेविगेशन असिस्ट भी मिल जाता है, वाह यार। और इसमें चार्जिंग के लिए भी आपको मतलब एक सेपरेटली जगह दी हुई है, जहाँ पे आप अपने अपने 3-4 मोबाइल फ़ोन है ना सेल फोन रख सकते हो इसीलिए अंदर। या आगे जो लेफ्ट साइड है ना जहाँ पे हैंडल है, जहाँ पे अंदर एक ड्रॉर दिया हुआ है, अच्छा सा दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। और देखिए राइड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, देखिए मतलब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ना, इसके शॉक एब्जॉर्बर्स इतने ज़्यादा गजब काम करते हैं ना, मतलब आपको जर्क फील ही नहीं होगा। देखिए अभी आप देखिए देखिए खुद ही देखिए, फील कीजिए, ये जो रोड है ना समुंदर की जो वेव्स रहते हैं ना उस टाइप का रोड है, और यहाँ पे ऐसे उड़ उड़ के जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके जो शॉक एब्जॉर्बर है बहुत ही ज़्यादा गजब काम कर रहे हैं, परफेक्टली वर्क कर रहे। देखिए मतलब मज़ा आ जाता है, आपकी मतलब बैक पेन होगी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग राइड आप इस पर कर सकते हो, तो ये गजब चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये चीज़ इसमें। मतलब 55 के स्पीड पे भी या 60 के स्पीड पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा, देखिए और एक अच्छी चीज़ क्या मालूम है, 55 या 60 के स्पीड पे देखिए ग्रीन लाइट चल रही है, इसका मतलब आपका मतलब ये जो कम्फर्ट जोन है ना इसके स्पीड का राइड करने के लिए क्रूज मोड, इको मोड पे 60 के स्पीड पे आप इसको इजीली चला सकते हो पिलियन के साथ। देखिए ग्रीन लाइट अभी भी चल रही है, मतलब माइलेज गजब मिलने वाला है, हमेशा इस इको मोड में चलना चाहिए। और ये अगर ये ग्रीन लाइट चली गई अभी आ जाएगी वापस आगे, देखिए तो इस स्पीड पे अगर आप चलाओगे ना तो आपको माइलेज बेहतरीन मिलेगा सच में। इसकी राइड क्वालिटी और इसकी आरामदेह सवारी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, तो आपको भी अगर प्रभावित होना है ना तो चाहिए सुजुकी के शोरूम में विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके इसके एक बार टेस्ट राइड लीजिए, और पसंद तो आ ही जाएगी, ना पसंद आए ना एक बार ये बाइक लेके देखिए मज़ा आ जाएगा, ना पसंद आए तो डायरेक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी चॉइस है, जो भी पसंद आए ले लो मज़े करो, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं अगर माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, इस बाइक की फर्स्ट सर्विस नई हुई है, ये जैसे ही शोरूम से आई है छोटू ने इसको 650 किलोमीटर चला भी दिया 7-8 दिन में, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना माइलेज देगी ये फर्स्ट सर्विस के बाद, माइलेज इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज 55 KMPL, देखते उतना देती है क्या, उतना तो नहीं देगी मुझे लग रहा है 50 के नीचे दे देगी, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से चलाया इसको, ज़्यादा मतलब भगाया नहीं, 60 के अंदर ही रखा हमने इसको, तो शायद दे भी सकती है 50 के अराउंड तो दे सकती है, 55 दे दिया तो और भी गजब चीज़ हो जाएगी। और माइलेज टेस्ट तो आने ही वाला है इसका, जैसे कि हम हमारी स्टाइल में करते हैं, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के आइकॉन को दबा दीजिएगा। तो बस अब हम कितनी ज़्यादा बड़बड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पक गया मैं और बहुत ज़्यादा पका लिया आपको,
अभी और मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चला रही है, 20-25 किलोमीटर तो हो गए होंगे शायद। तो साइड में अब हम थोड़े आगे जाएंगे और रोक देंगे और चेक कर लेंगे कि ये मतलब अकॉर्डिंग टू इसके स्पीडोमीटर ओडोमीटर के हिसाब से कितना माइलेज दे रही है। देखिए इसका जो ओडोमीटर है ना, मेरे ख्याल से एक्यूरेट है, 3-4 किलोमीटर का एरर रहेगा जो मतलब माइलेज दिखाता है ना, 3-4 किलोमीटर का एरर रहेगा, तो इसको भी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही कहेंगे। तो आप लोगों पे भी तरस खा लेता और बस बस करते वीडियो को करते ख़त्म, रुक जाता हूँ यहाँ पे। तो देख, ओह माय गॉड यार, रीडिंग देखिए आपके सामने 55.2 km/L का माइलेज दिया है बिना फर्स्ट सर्विस के। हमने ऑलमोस्ट इसको 20.6 मतलब 21 किलोमीटर चला लिया है। स्टार्ट में ओडोमीटर रीडिंग क्या थी, ओडोमीटर रीडिंग 650 और अभी क्या है 671, मतलब 21 किलोमीटर हमने चला लिया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इसके माइलेज से, और देखिए मैं जल्दी इम्प्रेस नहीं होता। तो आज के लिए बस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।